नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो फाइनली देखिए, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अगेन बाउंस बैक किया। देखिए, मैंने आप लोगों को सवेरे ही मॉर्निंग टाइम में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिए थे और अपना एक सिंगल साइडेड व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखिए, मेरे जिस पिक्चर में, जिस इमेज में मेरे एक सिंगल एरो होती है, वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि बिल्कुल सिंगल साइडेड व्यू है। जहाँ पर दो एरर हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, वहाँ पर ये साइन है कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ। बट आज मैंने आप लोगों को एक सिंगल एरो बनाकर दिया था, वो भी एक पैटर्न बनाने के बाद, पैटर्न को कंप्लीटली ड्रॉ किया था, उसके बाद आपको एक एरर बना के दिया था। और फाइनली देखिए, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही उसी डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव करके गई और अगेन हमको यहाँ पर एक बाउंस बैक दोबारा देखने को मिल गया। देखिए, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि देखिए ये एक परफेक्ट प्लेस है बाउंस बैक होने के लिए। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो यहाँ से हो जाना चाहिए, अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर जो है 31,000 का लेवल भी देखेंगे। ये मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में बताया था। तो फाइनली चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और देखेंगे कि यहाँ पर हमने किस तरह से ट्रेडिंग की या फिर कल का हमारा व्यू क्या होगा ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसका हाई और लो देखेंगे। तो हाई देखिए, यहाँ पर हमको जो मिला है वो 32,464 का मिला है और जो लो मिला है वो 31,865 का मिला है। मीन्स हम यहाँ पर देखिए 500-600 पॉइंट्स के बीच में हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की और फाइनली देखिए हम बिल्कुल एंड पर जाके हम बिल्कुल ग्रीन में क्लोज हुए हैं। मीन्स मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अगेन देखिए, एक जो हमारा मेन ट्रेंड था, जो हमारा बुलिश ट्रेंड था, वो अगेन जो है कंटिन्यू हो चुका है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता, 31,600 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता तो यहाँ पर बियरिशनेस आ सकती थी, बट यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पर बाउंस बैक हो चुका है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और मैं आप लोगों को चीजें समझाता हूँ कि मैंने आप लोगों को किस तरह से अपना व्यू बनाकर दिया था। सॉरी, 5 मिनट के चार्ट में मैंने आप लोगों को व्यू बनाकर दिया था अपना। तो देखिए, 5 मिनट का चार्ट देखिए मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया था। ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने आप लोगों को इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा, फिर अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो फाइनली देखिए, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पकड़ के ड्रॉ की थी और दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से पकड़ के मैंने यहाँ से ड्रॉ की थी। इसको हम जो है नज़दीकी ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, नज़दीकी लोअर लो ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पैटर्न देखिए बना हुआ था। तो फाइनली इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग चैनल। और यहाँ पर देखिए, जो इसका स्विंग हाई था, वो स्विंग हाई कहीं, ये देखिए, ये जो ओपन हुआ था ये स्विंग हाई था हमारा आज का, और जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था वो स्विंग हाई हमारा यहाँ पर था। तो फाइनली देखिए, मैंने आपको ये स्विंग हाई नहीं लेवल दिया था, ये स्विंग हाई तो मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने ये बताया था कि अगर ये आज का डे क्रॉस करता है और बिल्कुल कंप्लीट, मैंने आपको एक इस तरह का अपना व्यू दिया था, यहाँ पर इस तरह का एरर दे दिया था कि यहाँ से अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेक करता है, डे का हाई ब्रेक करता है, तो हमको यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहना है, हमको नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। देखिए, कल हमारा जो है व्यू बेरिश था। क्यों बेरिश था? क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटीमेंट कुछ वैसा था। अब देखिए, यहाँ पर इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद अगर गैप यहाँ पर अगर हाई क्रॉस करे तो समझ लीजिए कि मार्केट में तेजी आने वाली है। देखिए, आप हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा जो है मार्केट के अकॉर्डिंग अपना व्यू चेंज करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर देखिए मार्केट बेरिश देखा है तो हमको वहां पर अपना व्यू चेंज करने के अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि हम तुरंत जो है अपना वो व्यू अपना चेंज कर सकें मार्केट को देखते हुए। तो फाइनली देखिए, आज हम लोगों ने यही किया, मार्केट को देखा, मार्केट गैप अप थी, गैप अप ओपन होने के बाद अगर वो हाई की निकालती है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे, क्लियर कट बिल्कुल व्यू। अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों ने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पैसे बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे लिए एक हर्डल है। ये देखिए, ये जो आसपास जहाँ पर हम आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुए हैं, ये एक हर्डल के आसपास हम यहाँ पर क्लोज हुए हैं। तो फाइनली इसके बाद देखिए, हमारे पास जो ऊपर का हमको हर्डल मिलने वाला है, वो हर्डल हमको इस लेवल के आसपास मिलने वाला है। तो अब देखिए, हमको क्या करना है, कल यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है, देखिए मैं तीनों सिनेरियो बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, और मैं ये दोनों ट्रेंड लाइन मैं डिलीट करके आप लोगों को एक फ्रेश ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन हम इसको इस तरफ घुमा देते हैं। तो चलिए, अब ये हमारा कल के लिए हम यहाँ पर बात करने जा रही हैं, ये जो हम आज की चर्चा हम कर चुके हैं और कल की यहाँ पर अब चर्चा करेंगे किस तरह से कल हमको ट्रेड करना है। अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए कल काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन के जब तक हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम बुलिश हैं, तब तक हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अगेन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आए और अगेन बाउंस बैक हो जाए। अब देखिए, मैं तीनों सिनेरियो आपको बताता हूँ कि आपने तीनों सिनेरियो में किस तरह से ट्रेड करना है। फाइनली देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ चली है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो सकती है। सो देखिए, यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इस लेवल के आसपास आपको वेट करना है। अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो वहाँ से हम क्लियर कट बाइंग के लिए जाने वाले हैं। देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि मतलब सर ने बोला था कि वहाँ से सेलिंग के लिए करना है तो वहाँ से बाइंग के लिए जाना है इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कई लोग इस तरह के मैसेज आते हैं।
देखिए मैं यहाँ पर ये चीज़ कह रहा हूँ, ये हमारे एक हर्डल है 32,650 के आसपास। 32,650 के आसपास मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगेन अपना हाई निकालती है। देखिए जैसे यहाँ पर आज की डेट में ये देखिए यहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद देखिए मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे गया, आधे घंटे के लिए, अगेन जो है इसने अपना हाई क्रॉस किया। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और वो कैंडल इसको क्रॉस करती है 32,650 के लेवल को, और नीचे जाने के बाद अगेन आकर इसको क्रॉस करती है, अपने हाई को क्रॉस करती है, तो वहाँ पर हम के लिए जाएंगे। ये है हमारा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो सुन लीजिए, दूसरा सिनेरियो मान लीजिए यहां पर कहीं फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलती है तो यहां से बाइंग के लिए जाना है। सेलिंग के लिए देखिए हमको कब जाना है, मैंने बाइंग के दो सिनेरियो बता दिए, सेलिंग के भी सिनेरियो बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपन होने के बाद ही यहां पर जाता है, और यहां पर देखिए कैंडल कंफर्मेशन देखनी है या फिर आप डाटा से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए डाटा एनालिसिस एक परफेक्ट चीज होती है आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो बाय का सिग्नल हो चाहे वो सेल का सिग्नल हो। तो डाटा एनालिसिस एक बहुत परफेक्ट चीज होती है किसी भी ट्रेड को कंफर्मेशन करने के लिए। सो देखिए आपको अगर डाटा एनालिसिस नहीं आता है तो आप कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग भी अपना जो है व्यू बना सकते हैं। यहाँ जाकर आपको एक 15 मिनट की कैंडल देखनी है, वहाँ 15 मिनट की कैंडल कोई आपको बियरिश दिख रही है, कोई शूटिंग स्टार दिख रही है, कोई एंगल्फिंग दिख रही है, तब जाके आपने जो है यहाँ पर बियरिश सीन बनाना है। बट यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर अगेन इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके बाउंस बैक हो सकता है। सो अगर आप परफेक्ट बिल्कुल कुछ देर के लिए जाना चाहते हैं, कुछ मतलब उसको आधा घंटा एक घंटा के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दीजिए। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो मे भी देखिए हम कहाँ तक आ सकते हैं, हम यहाँ पर 32,150 के लेवल के आसपास आ सकते हैं कल अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। सो ध्यान रखिएगा ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमको सेलिंग करना है, और ये लेवल 32,650 का लेवल ब्रेक होता है तो हमने बाइंग करना है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं निफ्टी में। तो फाइनली देखिए निफ्टी को भी मैंने बताया था, ये देखिए लाइन में ड्रॉ करके रखी हुई है, मैंने बताया था कि ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है यहाँ से बाउंस बैक होने के लिए। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो यहाँ से बिल्कुल सही जगह है, अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक करता है 14,210 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर मार्केट में जो लेवल देखेंगे वो 14,150 के आसपास का, मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था। अब देखिए जो मैंने सवेरे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में जो मैंने ग्राफ बनाकर दिया था वो ग्राफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। वो ग्राफ देखिए कुछ इस तरह की तरीके का था। वो ग्राफ मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन एक पकड़ी थी और ये ट्रेंड लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ करी थी, और फाइनली देखिए ये हमारा स्विंग हाई जो कल का स्विंग हाई लगा हुआ था वो स्विंग हाई 14,410 के आसपास था। तो यहाँ पर जो मार्केट आज ओपन हुई थी वो 14,010 के आसपास ही यहाँ पर ओपन हुई थी, और ओपन होने के साथ ही देखिए जैसे बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे गई है, यहाँ पर भी देखिए नीचे गई है, और अगेन देखिए यहां पर जब इसने हाई निकाला है, मींस देखिए एक बात ध्यान से मेरी सुन लीजिए, मार्केट में जब गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद स्विंग बनाने का अगेन जब अपना हाई निकाले तो वहां से एक बाइंग का सिनेरियो बन जाता है। सो यहां पर भी मैंने आपको देखिए एक इस तरह का आपको एरो बना के दिया था, और सिंगल एरो बनाकर दिया था इस तरह से कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर क्लियर कट बाइंग के लिए जा सकते हैं। आप अगर टेलीग्राम चैनल में हमारे नए जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली अपने व्यू वहाँ पर देता रहता हूँ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही है वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूँ। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर कट हमारा व्यू था क्योंकि यहाँ पर मार्केट में गैप अप ओपन हो गया था, और अगर यहाँ पर अपना हाई निकालता है तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बाइंग के लिए जाने वाले थे। सो देखिए यहाँ पर बाइंग के लिए हम गए और यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा कह सकते हैं बहुत ही अच्छा हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। 14,415 से लेकर के मार्केट देखिए 14,550 के आसपास कंटिन्यू चलती चली गई, इसने कोई भी अपना पिछला स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। ये देखिए एक स्विंग लो यहाँ लगा है, दूसरा स्विंग लो यहाँ है, तीसरा स्विंग लो यहाँ है, चौथा स्विंग लो यहाँ है, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ट्रेल कर रहे हैं स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर तो आपने एक बार भी अपना स्टॉप लॉस यहां पर नहीं खोया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि चलिए ये तो चलिए जो आज की बात थी वो तो चलिए बीत चुकी है, लोग कहते हैं यार बीत चुकी है तब आप बता रहे हो। देखिए मैं पहले बताता हूं, मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आइए तो सही, आप टेलीग्राम में जुड़िए तो सही, आप वहां पर देखेंगे मैं चीजें पहले बताता हूं, ये चीजें मैं होने के बाद नहीं बताता हूं। ये तो यहाँ पर YouTube में वीडियो में मैं आप लोगों को ये एनालिसिस करके बाद में बता रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में वो चीज़ें पहले ही बता देता हूँ। मेरा जो व्यू होता है, अगर ऊपर का व्यू है तो ऊपर का एरो बनाकर नीचे के, और नीचे का व्यू है तो नीचे का एरो बनाकर के मैं आप लोगों को अपना व्यू पहले बता देता हूँ। सो मैं चीज़ें बाद में नहीं बताता हूँ, मैं एनालिसिस पहले करता हूँ। जो भी देखिए यहाँ पर मार्केट में ट्रेड होने वाला है वो चीज़ें मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ। लोग देखिए करते होंगे वो बात अलग है, बट मैं वैसा नहीं हूँ, देखिए अपना कुछ सिस्टम अलग है। सो यहाँ पर मैं चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखता हूं, बिल्कुल क्लियर कट यहां पर मैं चीजें आप लोग बताता हूं, सिखाता हूं, जो चीजें मुझे आती हैं, जितना मुझे एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें आप लोगों के सामने मैं खोलकर रख देता हूं। तो चलिए वीडियो लंबी हो रही, कोई बात नहीं, यहां पर अब चर्चा कर लेते हैं हमको कल किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये 15 मिनट का मैंने यहां पर चार्ट ओपन कर लिया है, और 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए हमको यहां से
ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस जो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ ये प्रोफेशनल एनालिसिस है, ये आप लोगों को शायद कोई ना बताए। तो अब देखिए, हमने यहाँ से जो ट्रेंड लाइन अब यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है, अब देखिए, अब हम ध्यान से देखें तो हम कहीं ना कहीं अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने ऊपर से ट्रेंड, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करके मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास हम बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। मे बी देखिए, अब यहाँ पर कल क्या हो सकता है, कल क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने एक नीचे से ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये जो आज की ट्रेंड लाइन थी, इसको मैं डिलीट करता हूँ ब्लैक कलर की। अब ये हमारे पास पैटर्न है, शायद देखिए अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस आपको आता होगा तो ये पता होगा कि इसको हम जो है ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट सिनेरियो है, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बाइंग के लिए जाने वाले हैं, और अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ब्लैक कलर वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए जाने वाले हैं। दूसरा देखिए क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हमको जो हर्डल मिलेगा वो हर्डल इस एरिया के आसपास जाकर मिलेगा। सो यहाँ पर देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर अगर हम बाइंग करें तो वो एक बढ़िया अच्छी मतलब हम बाइंग कह सकते हैं। सेलिंग का सिनेरियो देखिए, सिर्फ ये जो सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है, जब ये ब्रेक होगी तभी सेलिंग के लिए जाना है, अदरवाइज सेलिंग के लिए अभी मत देखिएगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मत देखिएगा, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपना ट्रेड बनाइए, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने व्यू रखिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट मैंने यहाँ पर आपको सेल करने के लिए बताया है और मार्केट वहाँ पर बुलिश है तो आप सेल करिए, नहीं सर ने ऐसा कहा था, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करिए। मार्केट के और देखिए, इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे मार्केट चलेगी वो इंट्राडे ट्रेडर उसी दिशा में हो लेता है, ठीक है ना। सो मार्केट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर चलना है। अब जो जो हमारे पास जो हर्डल है वो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, और जो सपोर्ट है वो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है। अगर रेड कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर पहला लेवल जो देखेंगे 14,610 का देखेंगे, अगला हम जो देखेंगे रेजिस्टेंस वो 14,650 के पास। तो 14,650 के आने बाद यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 14,650 के आसपास एक बार मे भी यहाँ से 50 से 60 पॉइंट के डाउनफॉल आए, बट यहाँ पर जरूर आएगा डाउनफॉल, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को मैं सिचुएशन के हिसाब से कह रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ क्लियर आपको कह रहा हूँ कि 14,650 आने के बाद चाहे 30 पॉइंट्स का डाउनफॉल आए, चाहे 40 पॉइंट्स का डाउनफॉल आए, बट यहाँ पर एक बार करेक्शन जरूर आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अगर आपको एनालिसिस समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी एनालिसिस सही नहीं समझ में नहीं आई है, या फिर क्या चीज़ आपको नहीं पता चला है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, अब हमने पहला जो चार्ट ओपन कर लिया है वो एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है। एक्सिस बैंक के देखिए, मैंने आप यहाँ पर कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ही हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से देखिए जो इसके लिए सपोर्ट है वो 650 के आसपास का सपोर्ट है। तो अगर 650 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा तो हम 640 का लेवल देखेंगे। अब मे बी यहाँ पर अगर बाइंग करनी है तो 675 रुपये के ऊपर निकलता है, तब यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक भी यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को जो लेवल बताया हुआ है मे बी यहाँ पर आकर एक बार सपोर्ट ले सकता है, बट यहाँ पर देखिए इसने डोजी कैंडल बनाई है। डोजी कैंडल कई बार कंटिन्यूशन में भी बनती है। कंटिन्यूशन मींस ये होता है कि जब वो ट्रेंड मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है और मतलब उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए भी कई बार वो कैंडलें बन जाती हैं। तो मे बी अगर आज का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर 350 का लो, देखिए मैंने यहाँ पर क्लियर आपको बताया था कि 350 के नीचे हम यहाँ पर बियरिश होंगे। 350 का लेवल यहाँ पर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर 335 का लेवल क्लियर कर देखेंगे। इंट्राडे में अगर ये 368 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। मैंने कल ही आपको बताया था कि देखिए HDFC बैंक मेरे को स्ट्रांग लग रहा है, और HDFC बैंक को आपने भूल कर भी शॉर्ट नहीं करना है। मैंने कल चीज ये चीज़ आपको बताई थी, वीडियो दोबारा जाकर देख लीजिएगा। देखिए, जो मेरे दिमाग के अंदर होता है, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैंने आज तक सीखी हैं, जो चीज जिन चीजों से मैं ट्रेडिंग करता हूं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने यहां पर खोल कर रख देता हूं। हर चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं बड़े ट्रेडर जैसा नहीं हूं कि मतलब मैं अपनी चीजें ना बताऊं, छुपा के रखूं, या मैं अपनी कोई स्ट्रेटेजी छुपा कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज है मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ओपनली बता देता हूं। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहां पर 1512 रुपए के ऊपर निकलता है HDFC बैंक। तो यहां पर इंट्राडे में जरूर बाइंग कर सकते हैं। आप टारगेट हमारा 1525 और 1530 के आसपास होगा। इसको अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको भूलकर शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि देखिए सभी बैंकों में जो है एक ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है मींस वहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद 10% 15% चल चुके हैं। बट यहां पर HDFC बैंक 2-3 महीनों से कंटिन्यू रेंज में था, तो अब यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी इसका सफर बाकी है। सो यहां पर मैं कह रहा हूं, यहां पर बाइंग बनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो फाइनली यहां पर देखिए, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक चैनल ऊपर का है ये रेड कलर वाला, और एक चैनल नीचे का है, तो इसको देखिए हम इसको टेक्निकल की लैंग्वेज में हम असेंडिंग चैनल बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, फाइनली देखिए लोअर के आसपास आकर इसने बाउंस बैक किया है, तो इसको देखिए अब हम यहाँ पर ये सपोर्ट ले लेते हैं। देखिए जो जहाँ से इसने पिछली बार जो है सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था, तो फाइनली देखिए ये जो कल की जो कैंडल हुई थी रेड कैंडल जो थी, इसी को टच इसने किया और फाइनली आज बाउंस बैक हुआ।
अब देखिए यहाँ पर 550 के ऊपर, 550 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर बाइंग करिएगा, अदरवाइज अभी बाइंग मत करिएगा, यहाँ पर ट्रैपिंग जोन में फंस सकते हैं आप। 550 के ऊपर निकलता है तो क्लियर कट बाइंग यहाँ पर 555 और 560 के लेवल के लिए कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक स्टॉक बताना चाहता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए एक ऐसा बैंक है जिसके रिजल्ट कंटिन्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और मे बी ये इन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूँगा, इसको मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसको बाइंग करके रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, जब ये लेवल यहाँ ब्रेक हुआ था 40 के लेवल के आसपास, और मे बी यहाँ पर मेरा टारगेट देखिए इस साल के अंदर अंदर कम से कम 150 का है। मैं यहाँ पर 300% की रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक से। आप लोगों को मैंने बता दिया, देखिए ये मेरे अपनी अंदर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। सो यहाँ पर अगर आपने इसमें पोजीशन बनानी है तो अपने एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा या अपने एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को देखिए यहाँ पर हम बाइंग करेंगे ओनली 985 रुपये के ऊपर, सेलिंग का ट्रेड इसमें बनाया जा सकता है 920 रुपये के नीचे। 920 रुपये का लेवल अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो मे बी इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को ट्रेस करने के लिए आएगा, और अगेन जब रेड कलर की ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक होगी तो ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और यहां से आने के बाद यहां पर पूरे चांस है कि यहां से तो क्लियर कट बाउंस बैक होगा, बट अगर इसमें स्ट्रेंथ होगी तो ये रेड रेड वाली ट्रेंड लाइन से यहां बाउंस बैक होने की उम्मीद है पूरी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक भी देखिए फाइनली अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इंट्राडे में बाइंग करनी है तो 1900 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर, 1900 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पर जो है अपना ट्रेड बनाइएगा। बीच में कहीं, क्योंकि देखिए ये जो 1500, 1800, 1900, 2000 के जो लेवल होते हैं, ये जो राउंड फिगर जो लेवल होते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। इस लेवल के आसपास बहुत लोगों की बाइंग ट्रेड रखे होते हैं, बहुत लोगों के सेलिंग ट्रेड रखे हुए होते हैं। सो यहाँ पर एक बार ये लेवल क्रॉस होने दीजिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड बनाइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने देखिए फाइनली मैंने आपको बताया था कि अगर इसको बाउंस बैक होना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है, कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, और फाइनली यहां पर देखिए फाइनली यहां से बाउंस बैक हो गया। देखिए चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ किए हुए हैं तो वो जरूर काम करेंगे, श्योरली काम करेंगे। अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत ड्रॉ है तो वो बिल्कुल कभी काम नहीं करेंगे, और उन गलत सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वजह से आप गलत एंट्री लेंगे और जो है अपना लॉस करेंगे। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, पर सीखिए, सीख कर ट्रेड करिए, बिना सीखे ट्रेड मत करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट मत करिए, बिना सीखे ट्रेड मत करिए, ठीक है ना। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखिए, मुझसे सीखिए, किसी से सीखिए, बहुत लोग बैठे हुए मार्केट में सिखाने वाले, किसी से सीखिए, चाहे इंटरनेट से सीखिए, चाहे कंप्यूटर से सीखिए, लैपटॉप सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, बहुत सारी किताबें हैं उनसे सीखिए, बहुत सारे फ्री कोर्स अवेलेबल हैं उनसे सीखिए, फ्री कंटेंट बहुत है इंटरनेट पर उनसे सीखिए, पर सीख कर करिए ट्रेड, विद बिना सीखे हुए यहाँ पर जो अपना पैसा बर्बाद मत करिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या हो गया भाई, चलिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने चार्ट खोल लिया है। अभी देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, तो फाइनली देखिए यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पर जो डोजी कैंडल बनी है, मे बी शायद यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो, बट देखिए अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन को प्रॉपर इसने टेस्ट किया नहीं है। शायद अगर ये देखिए कल को इसको ट्रेड मत करिएगा, 293 रुपये के नीचे आएगा तो 290 का लेवल टेस्ट कर सकता है, बट 2-3 रुपये के लिए इसमें ट्रेड मत करिए, अदरवाइज यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज देखिए यहाँ से कोई कैंडल बनने के बाद या डाटा एनालिसिस मैं करूंगा उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहां पर डाटा क्या कह रहा है, लॉन्ग साइड में है, शॉर्ट साइड में क्या है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा, फिर वहां पर जाइएगा, अदरवाइज यहां पर 2-4 रुपए के लिए ट्रैप होने मत जाइए। चलिए दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं इंट्राडे की कॉल देता हूं, ऑप्शन की कॉल देता हूं, देखिए मैं जो कॉल देता हूं वो ऑप्शन की कॉल होती हैं, इंट्राडे में वो कॉल होती हैं। सो अगर आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आपको भी वो कॉल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आप लोगों को कंटिन्यू 2-3-4 कॉल डेली वहां पर इंट्राडे ऑप्शन की वहां पर मिला करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।